वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स, मैं दोस्त मिल आज के साथ एक और वीडियो लेकर आया। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग होगी, आप अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक करके अपने फेवरेट टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो शुरू कर सकते हैं अभी से, जो कि आपकी सारी की सारी अपडेट्स यहीं से कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ के BTS के बारे में बात कर लेते हैं। डेविड हिस्टा की हमारे सामने एक लुक आई है, वो भी आर्मी ऑफ डेड के सेट से, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जैक स्नाइडर। और अगला प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है अवतार 2, और उसके डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने हमारे सामने कुछ BTS शेयर किया है, जहाँ पे हम अंडर वाटर शूटिंग सीन्स देख सकते हैं। और ये भी सुनने में आया था कि अवतार 2 में हमें अंडर वाटर लाइफ दिखाई जाएगी, अंडर वाटर सीन्स ज़्यादा दिखाए जाएंगे, जो कि हम देख भी रहे हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो सिल्वेस्टर स्टेलोन की 20s में एक मूवी आई थी जिसका नाम था डोमिनेशन मैन, और उसके सीक्वल को उन्होंने टीज किया कि शायद हमें इसका सीक्वल देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ क्रीड 3 की भी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ कि सिल्वेस्टर स्टेलोन ने कन्फर्म कर दिया क्रीड 3 के लिए वो रिटर्न नहीं होंगे, क्योंकि क्रीड 2 की परफेक्ट एंडिंग उनके लिए एंडिंग थी एक, और अब दोबारा वो अपने रोल में रिटर्न नहीं होने वाले। और अगली अपडेट है यहाँ पे बायोपिक मूवी को लेके, जो कि जो एक्सोटिक की है, जो कि टाइगर किंग मतलब किंग टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बायोग्राफी जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज बन रही है उसके लिए निकोलस केज को कास्ट कर ली गया है टाइगर किंग के रोल के लिए। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पे टॉम क्रूज और एलन मार्क की एक नई अपकमिंग साईफाई मूवी को लेके। वैसे तो नासा ने खुद कन्फर्म किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आके वो शूटिंग भी करेंगे, उसी के साथ साथ ये स्पेस वाली मूवी होने वाली। और आपको पता है टॉम क्रूज इसी नाम से जाने जाते हैं कि वो हर स्टंट, हर ड्राइविंग या गाड़ी चलाना, प्लेन चलाना, बाइक चलाना, वो सारा कुछ अपने स्टंट्स वगैरह खुद करते हैं। तो हो सकता है कि वो स्पेस में भी जा सकते हैं। अगर वो प्लेन में जा सकते हैं तो स्पेस में जाके शूटिंग करना मेरे ख्याल से उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अगली मूवी के बारे में बात करते हैं। अगली मूवी है सैम रेमी स्कॉट बैग बैरन वुड्स, जो कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सोनी पिक्चर की साईफाई थ्रिलर मूवी, जो कि बैक और वुड्स इस मूवी को राइट और डायरेक्ट करेंगे, उसी के साथ साथ सैम रेमी मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। अगली हम बात करने लगे एमिनेम शर्मन, जिन्होंने ग्लास या स्प्लिट जैसी मूवीज़ बनाई हैं, वो अपनी एक और नई थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं, जिसके लिए कास्टिंग का नाम बहुत अच्छा निकल के आया, एक टैलेंटेड कास्टिंग यंग कास्टिंग निकल के आई है। और मेरे ख्याल से ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टेड हूँ मैं, कास्टिंग अच्छी है और एमिनेम शर्मन की है, तो आपको ध्यान देना चाहिए इस पर भी। और अब एक बैड न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़ भी आप कह सकते हैं, आप सबको पता चल गया होगा कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ रीबूट हो रही है और फीमेल लीड होने वाली है, और उसके लिए कैरन गैलन स्टूडियो मतलब डिज्नी देख रहा है। कैलेंगन, जिसे हम गार्डियंस की नेविला के नाम से भी जानते हैं। वेल, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी भी और एक बुरी भी अपडेट है। अच्छी इसलिए होती कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को सीरीज़ को ना छेड़ते और सिर्फ एक नई पायरेट्स की सीरीज़ को दिखा देते जो कि एक फीमेल लीड होती, पर इन्होंने पायरेट्स की सीरीज़ को छेड़ा है तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि पायरेट्स की सीरीज़ को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जैक स्पैरो मतलब जॉनी डेप का करेक्टर हमें पसंद है, और अगर फीमेल लीड दे दी जाएगी तो मेरे ख्याल से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। तो देखते हैं इसमें फ्यूचर में क्या होता है, कि अच्छे लोगों को अच्छा भी लग रहा है, ज़्यादा लोगों को बुरा लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और अगली एक और फीमेल कास्टिंग को लेकर, कैट ऑफिशियली टॉक में अभी बात हुए हैं लिलिथ का रोल प्ले करने के लिए। और आपको पता है लॉयन गेट्स की तरफ से एक बॉर्डरलैंड गेम वीडियो गेम बेस्ड मूवी आने वाली है, तो उसमें लिलिथ का रोल उन्हें ऑफर किया जा रहा है। अगली अपडेट है रेजिडेंट इवल, जो कि गेम से अडेप्टेड मूवी है और इसे रीबूट किया जा रहा है, जिसके लिए वो चाह रहे हैं कि आर्टमैन 2 की स्टार जिन्होंने गोस्ट का रोल प्ले किया था ना जॉन, तो वो चाह रहे हैं कि वो इस मूवी में जिल वैलेंटाइन का रोल प्ले करें, पर अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है फीमेल कास्टिंग को लेकर, तीनों की नहीं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और अगली अपडेट है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेके। तो पहले डिज्नी प्लस की बात कर लेते हैं, तो RL स्टोन की एक नोवेल से अडेप्टेड एक सीरीज़ बनाई जा रही है, जो कि कॉमेडी और हॉरर मैथोलॉजिकल बुक थी, और उससे अडेप्टेड अब एक सीरीज़ बनाई जा रही है, जो कि 2021 फॉल डिज्नी प्लस में हमें देखने मिलेगी। दूसरा प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे सामने ब्राइट के सीक्वल की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसे इनक्रेडिबल हल्क मूवी के डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्शन के सीक्वल की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि उसका सेकंड पार्ट आएगा, डेवलपमेंट में है वो। और थर्ड जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, सुपर हीरो प्रोजेक्ट, जो कि नेटफ्लिक्स में हमें देखने मिलेगा, उसमें कास्टिंग की गई है ड्विन जॉनसन और हेमली हर्ट, और एमिली गॉर्डन इस मूवी को राइट करेंगी। एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी होने वाली है, क्योंकि इसका प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दो करेक्टर्स हैं जो कि इकट्ठे रहेंगे तो इनकी सुपर पावर काम करेगी, अलग होंगे अगर एक साथ काम नहीं करेंगे तो इनकी नहीं करेगी, तो मजबूरी इन्हें साथ रहना पड़ता है, और फिर ये सुपर पावर्स अपने यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है। ये कोई नया नहीं है, क्योंकि 90s पे इस पे कॉमिक भी बन चुकी हुई है। तो
बस अगली अपडेट एक और सुपर हीरो प्रोजेक्ट से लेके है। वैसे तो वॉर्नर ब्रदर्स और कार्टून नेटवर्क मिलकर ये सीरीज बनाने वाले हैं, जिसका टाइटल कन्फर्म हो गया बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स। और ये पता नहीं है कि अभी लाइव एक्शन होने वाली है एनिमेटेड होने वाली है, पर ये पता है ये एक सीरीज होने वाली है। अगले नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट की बात करें जो कि बहुत ही जल्दी हमें देखने मिलने वाला नेटफ्लिक्स में, वो है किंग आर्थर की फीमेल वर्जन की स्टोरी, जिसका नाम है द कर्स्ड। और इसमें कैथरीन कास्ट की गई है, कैथरीन लॉन्गफोर्ड। आपको पता है किंग आर्थर जो इंग्लैंड का किंग बना था, जिसने सोर्ड अपने स्टोन से निकाली थी तो वो किंग बन गया था, उसमें एक फीमेल वर्जन हमें दिखाया जाएगा। अगर फीमेल होती तो फिर क्या क्या होता। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पे यूनिवर्सल की तरफ से अपकमिंग प्रोजेक्ट की रिलीज डेट, जो कि अनटाइटल है, कुछ 2022 की उन्होंने रिलीज डेट हमारे सामने शेयर किया। और अगली बहुत कमाल की अपडेट है, क्योंकि यहाँ कॉमिक कॉन इवेंट जो कि होम है, कॉमिक कॉन होम ऑफिशियली कन्फर्म हुआ। फर्स्ट टाइम हमें वर्चुअल कॉमिक कॉन इवेंट देखने मिलेगा, जो कि घर बैठे हम इन्जॉय कर सकते हैं इस इवेंट को। उसी के साथ साथ काफ़ी सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स, टीजर भी क्या पता या फिर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी हमें इस इवेंट में। जैसे इसकी डेट आएगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम या फिर अगले एपिसोड में बता दूंगा। अगली अपडेट यहाँ पे स्टार वार्स से रिलेटेड अपडेट्स, और इसके मैंडलोरियन के सीजन 2 के डायरेक्टर कंफर्म हो गए, जो कि है पीटर ग्रीड, जो कि एंडोरन फ्रेंचाइजी के भी डायरेक्टर रहे हैं। और इसके मैंडलोरियन के सीजन 2 के रिलेटेड एक और अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे कास्टिंग अनाउंसमेंट है, जो कि है मिस्टर मॉरिसन, जो कि बाबा फीट का रोल प्ले करते हैं और वो एक मशहूर बॉन्टी हंटर है, तो सीजन 2 में रिटर्न हो रहे हैं। अगली अपडेट है स्टार वार्स की एक फिल्म को लेकर। तो पहले मैंने आपको बताया था कि एक फीमेल लीड सीरीज आ रही है, जिसे मिस हेडलैंड डायरेक्ट करेंगी, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट है। अब एक और प्रोजेक्ट है स्टार वार्स की फिल्म का, जिसे टाइका वाटिटी और विंसन केस मिलके कोर राइट और डायरेक्ट करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये है मार्वल की अपडेट्स। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि न्यू म्यूटेंट्स को लेके जो अमेज़न प्राइम की तरफ से आ रहे कि उधर हमें देखने मिलेगी, अभी ऑफिशियली ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट निकल के आई कि ये मूवी अभी भी थिएटरिस्टिक रिलीज ही होगी, और ये रिपोर्ट निकल के आई है। अगली अपडेट है बैड बज फॉर लाइव मूवी के डायरेक्टर को लेकर। तो उनके और मार्वल स्टूडियो के बीच बातचीत हुई थी फ्यूचर मूवीज को लेकर, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो किस टाइप के करेक्टर्स पर मूवी बनाना चाहेंगे। उन्होंने नाम निकाला डेडपूल और ब्लेड, इस टाइप के करेक्टर्स पे वो फ्यूचर मूवीज बनाना चाहेंगे। उसके साथ साथ बैड बॉयज से एक और चीज़ बता दूँ कि बैड बॉयज 4 की स्क्रिप्टिंग का काम शुरू हो गया। और अगली बहुत ही कमाल की अपडेट है, क्योंकि स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के डायरेक्टर ने ये कन्फर्म किया कि टॉबी, टॉम हॉलैंड और एंड्रियो, हमें तीनों के तीनों स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के मूवी में देखने मिलने वाले थे, पर उन्होंने जब सोनी स्टूडियो से ये डिस्कशन की तो उन्होंने कहा ये बहुत ही जल्दी हो गया, इट्स टू सून, तो हमने ये चीज़ ड्रॉप कर दी और शायद सीक्वल में यूज़ कर सकें। सीक्वल के लिए मैं कह रहा हूँ कि शायद सीक्वल में आ सकें, पर नहीं भी आ सकते, क्योंकि अगर टू सून का उन्होंने वर्ड यूज़ किया है तो ज़रूर उन्होंने कहा होगा कि ये बहुत ही जल्दी हो गया, क्यों ना हम इन्हें लाइव एक्शन वर्जन में दिखाएं तीनों को, क्योंकि लाइव एक्शन वर्जन में देखने के लिए हम बेताब हैं। वहाँ पे अगर स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में हमें दिखा भी दिया जाए, हम थोड़े से एक्साइटेड हो गए, पर वो एक्साइटमेंट लेवल नहीं होगा जो कि हमें लाइव एक्शन वर्जन में तीनों के तीनों स्पाइडरमैन इकट्ठे देखने मिले। तो फिर वेल, ये भी अपडेट बहुत अच्छी थी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये भी स्पाइडरमैन से रिलेटेड ही है। आपको पता है 90s और 80s के ज़माने में जो अब मार्वल है, पहले उसका वो हाल नहीं था। मार्वल उस वक्त बहुत गरीब था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, वो कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने करेक्टर्स के राइट दूसरे स्टूडियोज़ को भी बेचे ताकि वो पैसे कमा के कुछ प्रोजेक्ट बना सकें। मार्वल पहले इतना अच्छा नहीं चलता था, इसलिए वो अपने स्पाइडरमैन के करेक्टर और मार्वल स्टूडियो को लेके एक डील कर रहे थे। वेल, MJ जिसे हम माइकल जैक्सन के नाम से जानते हैं, जो कि पॉप स्टार है, आपको पता ही होगा, कौन नहीं जानता माइकल जैक्सन को, वो स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले थे स्पाइडरमैन की मूवी में। वाओ, मतलब वाओ अपडेट है। उसी के साथ साथ वो पूरे मार्वल स्टूडियो को खरीदने लगे थे और वो सारे सुपर हीरो स्टफ को कंट्रोल भी करने वाले थे, पर किसी वजह से ये प्लान ड्रॉप कर दी गया, उनकी डील कैंसिल होगी। उसकी वजह अभी तक नहीं आई, पर शायद आगे आ जाए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस चीज़ से। पर इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि माइकल जैक्सन स्पाइडरमैन होते और वो मार्वल स्टूडियो कंट्रोल कर रहे होते। जैसे कि मैंने कहा, अब जो मार्वल है वो पहले नहीं था। एक और स्पाइडरमैन की अपडेट्स की तरफ चलें, तो ये सुनने में आया कि डिज्नी प्लस में हमें मूवी या सीरीज़ देखने मिल सकती है 2099 के स्पाइडरमैन की। वेल, सुनने में ये बहुत आ रहा है कि मार्वल और सोनी के बीच बहुत ज़्यादा डील्स हुई हैं, काफ़ी करेक्टर शेयरिंग हुई है, और वो बहुत ही कुछ अलग अलग स्टफ़ करने वाले हैं। उनका अपना एक यूनिवर्स बन गया। आपको पता होगा कि सोनी ने अपने अलग स्पाइडरवर्स के नाम दे दिया, टाइटल दे दिया, जो कि है सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल करेक्टर्स। तो शायद ये हमें देखने मिल भी सकता है, कुछ नहीं अभी कह सकते, अभी ये रूमर्स ही हैं। अगर वो स्पाइडरमैन आ भी जाता है, अगर उसकी सीरीज़ डेवलप हो भी रही है, तो उसके लिए बहुत ही हाई बजट चाहिए होगा, क्योंकि उसकी टाइमलाइन देखें तो बहुत ही फ्यूचर की मूवी है वो। उसका माहौल डिफरेंट है, बिल्डिंग्स डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वो स्पाइडरमैन डिफरेंट है, ज़्यादा हाई बजट चाहिए होगा और टेक्नोलॉजी वगैरह, तो आप समझ ही सकते हैं
कि ये प्रोजेक्ट बनना मेरे ख्याल से मुश्किल है, पर देखते हैं अभी क्या है, अभी रूमर्स ही हैं। उसके साथ साथ डिज्नी प्लस में और प्रोजेक्ट के रूमर्स आए हैं, जैसे कि सीक्रेट वॉरियर, सीक्रेट इन्विजन जो कि स्कर्ल वाला सिस्टम था, उसके साथ साथ आयरन फेट की एक सीरीज, उसके साथ साथ गोस्ट राइडर के भी रूमर्स आ रहे हैं कि इसकी या सीरीज या मूवीज हमें देखने मिलेगी, और ये पिछले किसी भी गोस्ट राइडर से हमें नहीं देखने मिलेगा, फ्रेश रीबूट होगा। और नोवा के प्रोजेक्ट के भी रूमर्स आ रहे हैं कि इसकी मूवी सीरीज देखने मिल सकती है। मैं 2 बजे कन्फर्म कर दूँगी सारे रूमर्स हैं, इसमें से किसी की भी कन्फर्मेशन नहीं है कि हमें देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये सीरीज हैं या मूवीज हैं, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगली कुछ सेट इमेजेस हमारे सामने आई हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से। पहली हमें 3 इमेजेस दिखती हैं जहाँ पे हम मंकी ब्रश सलोन को देख सकते हैं, जो कॉमिक बुक में था पर कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था इसका। पर ये जो इमेज है ना, ये है स्टिंगर स्ट्रिप हाउस की, जहाँ पे फ्यूजी कॉमिक बुक में छुपता होता था, उसकी कोई सेफ हाउस था ये। कुछ कंफर्मेशन का बताता हूँ जो रिसेंटली आई है, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की शूटिंग काम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे मुल्कों के लॉकडाउन ख़त्म हो गए हैं, माहौल ठीक हो रहा है अब। और वंडर विजन की शूटिंग काम आपको पता है ख़त्म हो चुका था, अब उसका VFX का काम भी ख़त्म होने वाला है। और सुनने में ये आया है कि ये रूमर्स हैं कि हमें दिसंबर में ही ये शो देखने मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो शीहल की सीरीज़ की स्क्रिप्टिंग का काम ख़त्म हो चुका है, ये डायरेक्टर ने खुद कन्फर्म किया। अगली कुछ कंसेप्ट आर्ट्स हैं हमारे सामने, पहले ईगो की कंसेप्ट आर्ट है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 से, एपोकलिप्स की एक्समैन एपोकलिप्स मूवी से अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट, उसके बाद हाइड्रोमैन की है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से, ये सारी अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट्स हैं। तो फाइनली DC की अपडेट्स पर नज़र डालते हैं। तो पहली अपडेट आपको पता होगा कि वॉर्नर ब्रदर्स ने खुद कंफर्म किया था कि वो सुपर गर्ल की एक लाइव एक्शन मूवी बनाएंगे, पर अब उन्होंने प्रोजेक्ट ये साइड पर रख दिया। उन्होंने देखा कि फैंस ज़्यादा था मैन ऑफ स्टील, मतलब सुपरमैन पे चाह रहे हैं मूवी, या फिर उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो अब वो सुपर गर्ल मूवी को साइड में रख के पहले सुपरमैन के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और उसी के साथ साथ वंडर वुमन की बात कर ले तो 84 के बाद इसकी स्पिन ऑफ मूवी आने वाली है, जो पैटी जेंसन्स ने कहा है कि उस मूवी की तो वो डायरेक्ट नहीं करेंगे पर प्रोड्यूस ज़रूर करेंगी। पर एक और वंडर वुमन से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, क्या पता वो थर्ड पार्ट हो सकता है, कोई और स्पिन ऑफ मूवी हो सकती है, उसमें वो काम करेंगी, राइटिंग और डायरेक्टिंग का काम वो करेंगी। पर ये जो स्पिन ऑफ बनने वाली है जिनका नाम अमेजोनियन कहा जा रहा है उस मूवी का नाम, तो उसमें वो काम नहीं कर रही। पर उन्होंने अभी थोड़ा से एक स्टेटमेंट दिए, अभी कोई ज़्यादा कोई कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि अगर स्टूडियो चाहे तो वो पैटी जेंकिंस को इस प्रोजेक्ट के लिए मना सकते हैं। तो अगली एक पुरानी अपडेट है जो कि अब कंफर्म हुई है कि जो बैटमैन बिगेन मूवी आने लगी थी तो उसकी कास्टिंग के बारे में, तो उसकी कास्टिंग में पहले जैकमैन फ्योनिक्स और फ्रेडी जूनियर को रखा गया था, तो इन दोनों में से उन्होंने जैकमैन फ्योनिक्स को हटा के फ्रेडी को सामने लाए कि वो बैटमैन के रोल ज़्यादा अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, जैकमैन फ्योनिक्स वही एक्टर है जिन्होंने जोकर मूवी में जोकर का रोल प्ले किया है। डायरेक्टर चाहते थे बैटमैन का रोल जैकमैन फ्योनिक्स प्ले करें, पर स्टूडियो ये चाहता था फ्रेडी प्राइस जूनियर इसका रोल प्ले करें। अभी आप देखेंगे तो वो काफ़ी बूढ़ा इंसान है फ्रेडी, तो अभी आप कहेंगे ये किस तरह का बैटमैन है, पर आप उसकी पिछली अगर पिक्स देखें तो वो एक बहुत ही जवान बंदा था, और बैटमैन के रोल में मेरे ख्याल से बैटमैन बिगेंस के रोल में वो बहुत ही अच्छा सूट करता। पर क्रिएटिव डिफरेंस का आया ये प्रॉब्लम जो कि रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मल्टीवर्स मूवी में भी आया था, तो इसलिए ये मूवी ड्रॉप हो गई और हमें देखने भी नहीं मिली कभी। तो इतनी अपडेट थी, ये आखिरी अपडेट थी इस हफ्ते की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव थी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर मार्वल DC और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।